जगह लेके चलता हूँ तुम लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई एम आशीष, और बहुत दिनों के व्लॉग नहीं किया हम लोगों ने, तो चलिए आज शुरू करते हैं व्लॉग का सिलसिला, क्योंकि व्लॉग के सिलसिले से बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो आज फिलहाल मैं जो हूँ CST जा रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, और वो क्यों जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो लगातार देखते रहें, आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंस्टा में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ ये इंस्टा ID फॉलो करें और फैमिली को जितना हो सके बढ़ाएं। और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन द मैनर्स स्क्वायर। तो लेट्स मूव। तो हम लोग चल तो दिए हैं, पर मुंबई की जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे भाई, कैसे जाएंगे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। बट आई स्टे इन पवई एंड फ्रॉम पवई वी आर गोइंग टू CST, सो लेट्स गो। तो फाइनली CST में पहुंच गए हम लोग, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, CST जब आप पहुंचते हो तो यहाँ से आप जब स्ट्रेट निकलोगे, लेफ्ट जाओगे, तो लेफ्ट जाने के बाद सब अपने काम की चीज़ आती है, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। दिस इज़ द कबूतर खाना, मेरे पीछे देखो, ये तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ सी फेरेस प्रोन एरिया में। यहाँ पर मैक्सिमम द सी फेरेस आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप में से कोई नहीं आया तो प्लीज़ आइए मुंबई CST सी फेरेस की दुकान। सो फिलहाल मैं अभी चीप एंड जेरॉक्स में बैठा हूँ, और यहाँ पर अगर आपको कोई भी मेरिन की रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए तो आप ले सकते हैं, यहाँ पर ये अंकल हैं जो आपको वो दे देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो जेरोक्स स्टडी मटेरियल, MEO Class 4, Class 2, चीफ टिकट का भी है ना अंकल आपके पास, प्लस डेक साइड का भी सब बुक मिलेगा। और बुक जो है आपको ओरिजिनल भी है आपके पास, और आपको कम दाम में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। फिलहाल मैंने तो दो बुक लिया है सेकेंड इंजीनियर की प्रिपरेशन के रिटर्न के लिए, फिलहाल मैं तो आता ही रहता हूँ। और ये है इनका कार्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलते हो तो वहाँ पर लेफ्ट लेकर के सीधा निकलोगे तो आपको चीप एंड बेस्ट जेरोक्स मिल जाएगा, किसी से भी पूछ लेना, बता दे कि छोटी सी दुकान है और आप लोगों को जो भी चाहिए मटेरियल, बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन सा मटेरियल है, क्या है, कहाँ से लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो लाइन है यहाँ पर आपको चीप एंड जेरोक्स या जेरोक्स भी ले सकते हैं, प्लस आपको सेफ्टी आइटम जो है यहाँ पर मिल जाएंगे मस्त एकदम, यूनिफॉर्म हो गया, बैचेस हो गए, या फिर ईयर मफ्स हो गए, कुछ भी हो गया आप जो यहाँ पर ले सकते हैं। ये लाइन जो है यहाँ, ये लाइन जो कंटिन्यू होती है और फिर मिलती है MMD में जा कर के। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो है MUI जो है मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पर जा रहे हैं। और MUI में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है अपना मेम्बरशिप लेना है MUI का, एंड आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट MUI स्टफ, सो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। ये शिपिंग डायरेक्टरी, ये है मेरिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में आपको सब शिपिंग कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा। तो जो लोग भी पूछते हैं भाई क्या करना है, क्यों करना है, तो ये जो है डायरेक्टली अपने पास रखें और इसमें सर्च करते रहें, मेल करते रहें, जो आपका मन करे। एड्रेस भी मिलेगा इसमें, अब जहाँ पर भी अंधेरी में या फिर जहाँ पर भी कंपनीज हैं वहाँ पर इनका एड्रेस जो आप फॉलो करके जा सकते हैं। इट विल बी ईजी फॉर ऑल द फ्रेशर्स जो भी घूम रहे हैं बेचारे। तो ये जो डायरेक्टरी है ये खरीद रहे हैं, एक आती है 200 रुपये की, या फिर मेरिक्स की बड़ी बुक है जो मैंने आपको दिखाई, दैट इज़ अराउंड 30 रुपीज़। तो जो भी आप ले सकते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ एक मेरिक्स की जो 30 रुपीज़ वाली बुक है वो ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होती है वो। सो दिस इज़ द CN जॉब वाला बुक जो मैंने लिया है, अभी घर जाके देखेंगे इसके अंदर है क्या चीज़, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है नूसी का हेडक्वार्टर्स। तो जो भी क्रू मेंबर्स हैं अगर उनको मेंबरशिप चाहिए नूसी की तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। चीफ एयर हम लोग को MUI मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया से मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो उसका ऑफिस जो है वो थोड़ा उस तरफ है शायद, तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, भटक रहे हैं फिलहाल। और पीछे ही आगे थोड़ा और पीछे जाकर वहाँ पर है अपना MMD मुंबई। तो जो लोग MMD मुंबई से डरते हैं प्लीज़ कमेंट करें। सभी डरते हैं MMD से। सो ये मेरे पीछे MUI का ऑफिस, अगर आप आ रहे हो तो आ जाना। तो मेरा फिलहाल जो है वो काम ख़त्म हो गया है MUI में। कार्ड बन गया, एकदम रस्टिक कार्ड बना, एकदम मसालेदार कार्ड बना, मज़ेदार। इसका बेनिफिट क्या है, कैसा दिखता है, क्या क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा घर में पहुंचने के बाद, क्योंकि अभी मैं हूँ CST में और यहाँ पर हो रही है बहुत गर्मी। और अभी चलेंगे बाजार में। और अभी चलेंगे हम लोग कौन से बाजार में? सैफ अली खान का बाजार। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं CST, और CST आने के बाद ना बहुत खुशी ऐसी हो रही है, पता नहीं क्यों। पहले तो MMD के चक्कर काटा करता था, फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये लाओ वो लाओ, और अभी फिलहाल बहुत दिनों बाद फाइनली MUI का मेम्बरशिप मैंने ले लिया है। और जब भी आप MUI आ रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे, जब आप एंटर करेंगे MUI उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें बस आपको अपना सब पर्टिकुलर जो फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद कुछ भी ये देखते नहीं है कि लाइक CDC पासपोर्ट कुछ भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ये देखते नहीं है, बस आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। और जो अमाउंट है ये लोग लेते हैं अराउंड 2300 बक्स मेरे से ले लिए गए हैं। तो इसका जो लेआउट है वो मैं आपको बता दूंगा, शायद 1800 है इनका फ़ी प्लस 500 है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, और एवरी ईयर आप इसको रिन्यू करना पड़ेगा उतने अमाउंट में, मतलब 1800 आपको एवरी ईयर देना पड़ेगा। फिलहाल ये चीज़ जो है हमारी कंपनी कर देती है, मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रिफंड कर देती हैं इस चीज़ के, एवरी ईयर वो रिन्यू कर देती हैं। और बाकी तो यहाँ का माहौल बहुत ही सही है, बहुत ही मज़ेदार है, व्लॉगिंग करने का बहुत मज़ा आ रहा है बहुत दिनों बाद। And keep watching. So, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक ठोको और सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है, और सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों मेरे, क्योंकि फैमिली को बहुत तेजी से बढ़ाना है। तो अभी फिलहाल हम लोग मार्केट जा रहे हैं, लेट्स सी होप बेस्ट कि वहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं। कौन, और जिन लोगों को नहीं पता है ये हमारा प्यारा मुंबई MMD है। सो ये जो पीछे बिल्डिंग है हमारी प्यारी MMD मुंबई, जिसको हम सत सत प्रणाम करते हैं सब मिलकर प्यार से। अरे यहाँ पर येलो फीवर का वो लगता था ना, अभी बंद हो गया क्या? येलो फीवर का भी उसी के साइड में नीचे ही बिल्डिंग के नीचे येलो फीवर का है, अगर आप येलो फीवर लगाने के लिए आ रहे हैं। ये है बिल्डिंग के नीचे येलो फीवर के लिए यहाँ पर है। सो एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट 100 जो भी आ रहे हैं उन लोगों के लिए सर्विस है, जो पहला 100 आएंगे वो जो है येलो फीवर लगवा सकते हैं। तो जल्दी आ जाएं सुबह, तो जो भी पहले 100 होंगे उनको येलो फीवर लग जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी पक्की हो गई भाई लोगों। पहुंच गया हूं मैं घर, और आज बहुत ही टायर्ड हुआ है, इतना हम लोग शॉपिंग किया घूमे फिरे। तो फिलहाल मैं अभी यहां पर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या किया है मैंने। आपको MUI के बारे में तो बता ही दिया है कैसे करना है क्या करना है, प्लस अगर आप MUI में जाते हैं और अगर आप मेम्बरशिप लेते हो तो आपको ये पाउच मिलेगा और ये रहेगा उसमें, और इसके अंदर एक होगा कार्ड जो कि आप वैलिडेट कर सकते हैं, प्लस आपको साथ में देंगे एक वॉचर, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्या क्या बेनिफिट्स नहीं हैं, और प्लस आपका मंथली सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ये एक ओशनेट करके किताब है, इससे मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है उसके बारे में, आई विल ऑल्सो रीड ऑन टू दैट। अभी मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि अगर आप MUI मेम्बरशिप लेते हैं, मैं पहले बता देता हूँ कि
ITF जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो क्या है, उनकी ब्रांचेज हैं इंडिया में। तो इंडिया में उसके दो ब्रांचेज हैं और वो है एक नूसी जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया और दूसरा है MUI। तो नूसी जो है वो क्रू मेंबर्स के लिए वेलफेयर करती है और MUI जो है वो ऑफिसर्स के लिए वेलफेयर करती है। तो इस का जो फ़ायदा ये है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को अगर तीन सिटीज़ हैं और तीन सिटी में एक जनरल प्रोविज़न है कि अगर आपको कोई होम चाहिए रहने के लिए, अगर आप घूमने गए हैं तो वहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ उनकी वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्लस जो भी हॉस्पिटल सर्विसेज है वहाँ पर आपको आई थिंक 20-40% ऑफ डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है और उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, ऐसा कुछ है। तो ये था इसके बारे में बात। प्लस मैं आप लोगों से ब्लॉग में ये सी फिरर्स का जो बुक है उसके बारे में बात कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, सो लेट्स सी। प्लस मैंने चीप एंड बेस्ट से जो है 2-3 किताबें ली हैं, ऐसी कुछ दिखती है जेरोक्स किताब, तो ये जो है मैंने रिटर्न के लिए अपनी मटेरियल लिया है, मैं जहाज़ पे जाऊँगा थोड़ा इसके बारे में पढ़ूँगा। सो ये था ओवरऑल सबके बारे में। सो अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ और डाउट है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट कर दें। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए ऐसी बुक और एक छोटी डायरेक्टरी बुक आती है सी फेयर डायरेक्टरी, तो उसके ऊपर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसके ऊपर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज़ यार इसको एज माई टोकन ऑफ माई मेहनत एक जरूर लाइक ज़रूर दे देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन नीचे है वो दबा दें। प्लस मेरे जो है व्लॉग वो आते रहेंगे, ऐसे कंटेंट बनते रहेंगे। प्लस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाज पे अपना काम, दुनिया भाग जाए लेकिन फिर भी है आराम। हम हैं सी फेयरर्स, जहाज पे अपना काम, दुनिया भाग जाए लेकिन फिर भी है आराम।